हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आपका दोस्त राहुल, आप देख रहे हैं फिश एक्वेरियम हॉबी। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू सेटअप ए फिश बाउल, हम एक फिश बाउल को कैसे सेटअप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे मेरा पर्सनल रिकमेंड है, आप कोई भी फिश बाउल में ना रखें। गोल्ड फिश हो, कोई भी फिश हो, आप सिर्फ एक ही फिश बाउल में रख सकते हैं, वो है बेटा फिश, जिसे हम फाइटर फिश भी कहते हैं, क्योंकि वही एक अकेली मछली है जो एक्वेरियम में सिंगल सर्वाइव करती है। मतलब आप उसके साथ कोई भी टैंकमेट नहीं बना सकते हैं, कोई नहीं रख सकते कोई भी टैंकमेट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको चाहिए एक फिश बाउल, जो कि हमारा ये रहा। इसके साथ ग्रेवल्स, डेकोरेशन ट्री, एक्वेरियम साल्ट और एंटी ईच। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये ग्रेवल्स गिरने हैं। ग्रेवल्स का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन्हें ऐसे ऊपर से मत गिरिएगा, हम अंदर पन्नी डाल के साथ धीरे से गिरिएगा, जिससे कि फ्रेंड्स अगर ये पत्थर अचानक से वो हाइट से गिलास के अंदर गिरेंगे तो गिलास ब्रेक हो सकता है। और सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आप जब भी कांच के एक्वेरियम में कुछ भी करना जा रहे हो तो प्लीज़ नीचे एक थर्माकोल जरूर लगा लीजिएगा, जिससे कि नीचे अगर कोई हमारा एक्वेरियम टूटे ना, उसका लोड ज़्यादा ना पड़े। किसी अगर कोई कंकड़ पत्थर नीचे एक्वेरियम के आ गया तो एक्वेरियम टूट जाएगा। उसके बाद आप ट्री लगा दीजिए, जो जो भी आपको पसंद हो, जैसे भी आप को जो भी आपको मार्केट में अच्छा लगे आप उस तरह के ट्री ला सकते हैं। इसमें आपको किसी भी तरह के फिल्टर, हीटर, आप अब ये सोच रहे होंगे कि हीटर की ज़रूरत क्यों नहीं, ये जी हाँ फ्रेंड्स, हीटर की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें। चलिए, वो अपने एक्वेरियम में पानी, अपने फिश बाउल में पानी भरता है। हम फिश बाउल में पानी जहाँ पे हमें इस बाउल को रखना है वहीं पे रख के भरेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स हम पानी भरने के बाद बाउल को नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अगर वो जरा सा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वो फट जाएगा, वो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि बहुत हल्का कांच होता है। चलिए हम इसे उठा के रख देते हैं अपनी जगह पे। अब हम अपने बाउल में पानी भर देते हैं। फ्रेंड्स आपको पानी का ध्यान रखना, आपको क्या कहते हैं आरओ का या किसी तरह का वैसा पानी नहीं डालना है, आपको सिंटेक्स में स्टोरेज वाटर ही डालना है, जो हमारे सिंटेक्स में है उस वही स्टोरेज वाटर डालना है। पानी आराम से डालिएगा ताकि आपकी डेकोरेशन खराब ना हो जाए। आपको इस बाउल, फिश बाउल में किसी भी तरह का, आपको जैसे मैंने पहले बताया, हीटर और कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, हीटर, फिल्टर, एयर पंप, क्योंकि ये हमारी बेटा फिश है। अगर आप इसमें कोई और फिश रखते हैं तो आपको फिल्टर कंपलसरी और एयर पंप कंपलसरी है, बट हम बेटा फिश रख रहे हैं तो बेटा फिश को ये सब इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए हम बिना उसके रखेंगे उसे। अभी हमारा ये पानी बिल्कुल क्या कहते हैं, इसमें बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमें इसमें थोड़ा सा एक्वेरियम साल्ट, बेटा फिश को बहुत कम एक्वेरियम साल्ट लगता है, मगर आप फिर भी इसे डाल दीजिए। आप इसमें एक्वेरियम साल्ट डाल दें, थोड़ा सा एक्वेरियम साल्ट और एंटी क्लोरीन, सॉरी एंटी ईच। फ्रेंड्स हम जब भी आप नया एक्वेरियम कुछ भी सेटअप करें इसमें ये जरूर डालें, हमें इसकी 10 बूंदें इसमें डालनी जरूर है, मगर मैं थोड़ा अब हमारा पूरा पानी ब्लू ब्लू हो गया है। इसमें हम इसे थोड़ा सा टाइम देंगे फ्रेंड्स, हम इसमें अभी करीबन करीबन 1-1.5 घंटा इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि बेनिफिशियल बैक्टीरिया थोड़े बहुत इसमें बन जाए, जिससे कि हमारी बेटा फिश को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये पानी बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ताज़ा वैसा है, मतलब सिंटेक्स का। तो हम ये जो बेटा फिश का पानी है ये हम इसे एक्वेरियम में डाल देंगे, जिससे कि जो इसमें बैक्टीरिया है वो इसमें फिश बाउल में जल्दी से जल्दी बन सकें। चलिए फ्रेंड्स, इसका
हमारी बेटा फिश और बाउल का टेम्परेचर इक्वल कर लेते हैं। थोड़ी सी डेकोरेशन अभी बिगड़ जाएगी आपकी, मगर टेम्परेचर इक्वल करे बिना कभी भी फिश मत डालिएगा। चलिए 15 मिनट बाद अपनी फिश को हम इस एक्वेरियम में रिलीज करेंगे। चलिए फ्रेंड, 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपनी बेटा फिश को अपने फिश बाउल में रिलीज करेंगे। देखिए फ्रेंड, हम वही पानी इसमें डाल रहे हैं जो हमारे इस पन्नी में था। वैसे हम आमतौर पर डालते नहीं हैं, मगर हमारे इस एक्वेरियम में अभी बैक्टीरियाज नहीं है, इस वजह से हम ये पानी भी इसमें डाले दे रहे हैं। हमारी बेटा फिश देखिए, हमारी बेटा फिश अब हम इसे हमारी बेटा फिश हमने टैंक में डाल दिया है। अब हम इसे 24 घंटे खाना नहीं देंगे, अब हम इसे खली खाना देंगे अपनी बेटा फिश को। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हम इसकी लाइटिंग पे अगली बार वीडियो बनाएंगे। हम इसकी लाइट अपने घर में ही बनाएंगे, बहुत चीप रेटों में। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।